अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। बंजारा सेवक संघ जामनेर आणि स्कॅबल फाउंडेशन पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने गोर बंजारा समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळा आज जामनेर शहरात आयोजित करण्यात आला होता। कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभागृहामध्ये पार पडलेल्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी श्याम चैतन्य महाराज हे होते, तर गोर बंजारा समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि त्यांचा सन्मान करण्यासाठी समाजातील विविध क्षेत्रातील मान्यवर यावेळी उपस्थित होते। या प्रसंगी गुणवंत विद्यार्थ्यांचा यथोचित सत्कार मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला। या कार्यक्रमाला गोर बंजारा समाजाचे बांधव आणि भगिनी यासह विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। हमारे परम पूज्य संत श्याम चैतन्य जी बापू वेळ कमी मला दीड वर देवेल कारण दादा बोले कोणी सन्माननीय अतिथीगण हमारे विचारपीठ आय हुए नायक करमारी यानी फेन आणि मारे नाव तरुण तो दादा बोले तो काही मन तो खाली मात्र करेल तीन मिनिटे चालले होते तो मन सारे तंत्र वळपतो कोणी मालम जी नायकेंचं महत्व कळतो वत्रास नायकेंचं महत्व म्हणजे हा नायकेंचं
न्याय के विचारे जना तांडो ले चाल को तो जना भाई बाप के विचार मान तो ना न्याय के न्याय के ले भी विचार ले चाल और हमारे एक में वासो समाज से इस रे समाज में महिला भी वो स्थान दे मिले से जेपी पुरुष हैं सर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज अपने जामनेर नगरी में बंजारा सेवक जामनेर एवं स्कैफल फाउंडेशन पुणे आयोजित विद्यार्थी गौरव समारोह गुरु गौरव समारोह इस सुंदर अवसर पर उपस्थित हमारे औरंगाबाद से आए हुए सभी चालीसगाँव के सभी प्रेमी आजू बाजू के गांव से आए हुए और मेरे विद्यार्थी सबसे पहले इन सभी विद्यार्थियों को हम सब ताली बजाकर एक बार और फिर अभिनंदन करें और महापुरुष के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि विद्यार्थी दिन प्रतिदिन ऐसा ही उनका विकास होता रहे। अभी समय काफ़ी हो गया है और मेरे को बोलने जैसा कुछ रह नहीं गया है। मेरा यहाँ पर आने का कुछ भी कारण नहीं था। अभी मेरा प्रोग्राम यहाँ भी 15 तारीख को है तो 14 को आने वाला था। मैं रात को 11 बजे सूरत से निकला, 7:30 बजे यहाँ पहुँचा क्योंकि इन बच्चों का कम से कम 1 महीने से मेरे पीछे लगे थे। मैंने कहा कि तुम आयोजन करो, मेरा नाम पर डालो, कुछ पर डालो, मुझे समय रहेगा तो जरूर आऊँगा। लेकिन इन बच्चों ने मेरे साथ में वो जबरदस्ती करके नाम डाल दिया अध्यक्ष पर, ना इलाज मुझे आना पड़ा क्योंकि सूरत में एक काफ़ी बड़ा काम चल रहा है। उसके पीछे यहाँ आने के पीछे उद्देश्य ये भी है कि क्यों ना मेरे बच्चों को एक 2 शब्दों में बोल सकूँ। इतना अच्छा काम यदि वो कर रहे हैं, इतना अच्छा वो परसेंटेज मिला रहे हैं। सबसे पहले इन विद्यार्थियों को अच्छा संदेश देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए हमारे औरंगाबाद से आई पूरी टीम और 40 गांव से आई उनकी टीम को मैं गुरुदेव सेवा आश्रम की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप आए और मेरे जानने तहसील के बच्चों को इतना सुंदर मार्गदर्शन दिया। इसलिए ताली बजा कर उनका हम फिर अभिनंदन। अभी हमारे भाई बहुत सुंदर बोल रहे थे तो मुझे भी एक शेर याद आ गया। गालिब ने लिखा है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। लेकिन दूसरे को दोष देने से कुछ नहीं मिलने वाला, मेहनत अपने को करनी। विद्यार्थियों के जीवन में जब तक दृढ़ता नहीं आती, जिद्दपना नहीं आता, तब तक तो भले पोस्टिंग पर नहीं जा सकते। अभी बात चल रही थी हमारे निहाल जी पर तो दुनिया में नाम हुआ, क्यों? मार्गदर्शन अच्छा मिला, परिवार अच्छा मिला और जो उनको सिखाने वाले जो टीचर थे उनका सही से गाइडेंस मिला। जब विद्यार्थी एक अच्छे सर के हाथ के नीचे पड़ता है, हमारे यादव सर थे यहाँ पर, अभी गई पता नहीं मुझे, जब भी यहाँ कोई बच्चा अच्छा परसेंटेज मिलाता है उसको साइंस में या तो फिर कॉमर्स में उनको एडमिशन चाहिए होती है और कुछ परसेंट की वजह से बाहर रह जाते हैं तो मैं उस कॉलेज में बात जरूर करता हूँ कि सब बच्चों को अगर मार्क्स में ये मिल जाता है एडमिशन फिर हमारे बच्चों के लिए क्यों नहीं। महाराज मैं अपने बच्चों के लिए एक बार तो यहाँ कॉलेज में वो सर को एक एक बोल के दिया था कि मेरे बच्चों को ये नहीं दिए तो तुम्हारे कॉलेज के सामने में उपोषण करूँगा। पहले हाँ बोल दिया और बाद में उसको मना कर दिया गया कि नहीं भैया अभी तो नहीं है। तो क्यों हमारे बच्चों के साथ में क्यों होता है? क्योंकि हमारी दिशा कहीं भी गलत है। आज तुम लोगों की दिशा भटक रहे है क्या? आज जो तुम्हारी उम्र है अच्छी पढ़ाई लिखाई की, कुछ संगठन में घुस गए, कुछ गुटखा में घुस गए, कुछ शराब में घुस गए, इससे थोड़ी हमारा फायदा होने वाला है। ये क्यों बैठे आज इनको ये सत्कार क्यों मिल रहा है?
इन्होंने पढ़ाई को महत्व दिया। मित्रों यदि आपको भगवान ने दो आंख दी लेकिन आपने पढ़ाई नहीं की तो आप होकर भी तुम अंधे हो। इसलिए समाज को शिक्षण की अत्यंत जरूरत है। समाज दिशाहीन हो रहा है। मेरे रिपोर्टर आए हुए है, हमारे बंजारा लाइव है और एक जेबीएन तो है ही, तो मेरे साथ ही बड़ा आपली बात नहीं। आश्रम ने भी इंटरव्यू ले रहे थे कि बाबू आप समाज को क्या बोलना चाहते हो। महाराज में डेढ़ बजे से डेढ़ एक कार्यक्रम कर रहा हूँ, रात के दो दो बजे तक प्रोग्राम कर रहा हूँ, सुबह दूसरे दिन फिर प्रोग्राम है, फिर प्रोग्राम है, फिर प्रोग्राम है। क्या जरूरत है, मुझे क्या खाने को नहीं मिल रहा है क्या? लेकिन बूढ़ दसे जनन न देखे भी दौड़ा मनुनी तड़वड़ाए कसे। हम इतना रात के काम करते हमारे ऊपर खींचने वाले थे अगर देखे। मैं भी कहीं से बात कर रहा था कि आप जो सत्य की बात कर रहे हो तुरंत आपको विरोध करने वाले खड़ा होंगे, लेकिन मेरा कर्तव्य मेरा काम करना, जिसका कर्तव्य टनवी भेजना वो टनवी भेजता रहे, लेकिन मैं डरता है। गलत काम करने वाला ये डरता नहीं तो अपन अच्छे काम के लिए क्यों डरे? क्यों डरे भाई, किसके लिए डरे? तुम गलत करते हो तो डरो, गलत नहीं करते तो दस नहीं पचास भुगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम निष्ठा के साथ काम करो, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, मेरे समाज के लिए। हमारे सदगुरुओं ने कहा कि संत किसी समाज का नहीं होता है साहब, संत हर समाज के लिए होता है। मुझे क्या करनी होती मुझे मालूम है, लेकिन मैं किसी चीज का परवाह नहीं करता और जोर से काम करता हूँ। कि कंपटीशन वाला रहा, कोई उल्टी सीधी बात करते रहा, करने वाला रहा, तो काम करने का मजा भी आता है। मैं हर सत्संग में कहता हूँ कि लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना छोड़ दो, भला किसी का कर ना सको तो बुरा करना छोड़ दो। आप किसी का पूजा नहीं करते ना, जवान साहब है हमारे ऋषि जवान साहब, उनकी पूजा नहीं करते तो आपको उनका निंदा करने का क्या अधिकार दिया? एक बात बोल रहा हूँ उदाहरण दिया मैंने उनके बारे में, लेकिन खेगड़ी की वृत्ति है। आज समाज के पीछे इतना सारा संगठन हो गया, संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बता रहे थे कोई को उठता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। अरे समाज एक जगह है, तुम संगठना होगी समाज का सत्यानाश किया। सारी संगठना एक हो जाएगी, एक व्यक्ति पे आ जाएगी, अपना ईगो तोड़कर अपना अहंकार तोड़कर। समाज एक जगह है, तुमने तोड़ा, तुमने विवश किया उनको, सब बच्चों को अध्यक्ष पद दे रहे, तो उपाध्यक्ष बन जा रहे, उनको समझता नहीं बच्चे, उन जरा जरा संतान मिल गया तो गांव में ऐसा लगता है मुख्यमंत्री बन गया। हमने समाज को तोड़ने का काम संगठन ने किया, इसलिए मैं लोगों को बुरा लगता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लगा मेरे पीछे क्या क्या लगाना है तुमको, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सदगुरु है, जाको राके साइया मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके चाहे जल बेरी हो। डरना नहीं, अच्छे काम करते रहो, बुरे काम करोगे तो तुम्हारी तलवी आएगी तो कल टूटेगी, लेकिन अच्छे काम से नहीं डरना। विद्यार्थियों यदि तुमको जीवन में सफलता पानी है, रोज सुबह जल्दी उठो, थोड़ा ओम की गुंजन के साथ थोड़ा ध्यान करो। क्यों? इस सर्वे एकाग्रता प्राप्त हो, जब तुम्हारे जीवन में एकाग्रता आ जाएगी ना, तुम कोई भी चीज सही से प्राप्त कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद एक पार्टी क्यों थे, ध्यान करते थे, सुबह उठे योगासन ध्यान करो थोड़ा सा। आजकल के बच्चे, मेरी उम्र अभी 42 की चल रही है, 25 साल के लड़की को मेरे साथ में भगाने लगा उसको नहीं मानूंगा। क्यों? कि तुम्हारी वेशन के साथ बुरी मोबाइल साथ वापर रहे, मोबाइल में अच्छा देखना कितना परसेंट चलता है, सारा बुरा का बुरा चल रहा है, इससे तुम्हारा विकास नहीं होगा। मोबाइल वापरो, मेरे पास भी दो दो मोबाइल है, मेरी भी तीन चार चार सिम यूज करता हूँ, अच्छे काम के लिए वापरो। बहुत लोगों को जलन होती, महाराज अपन मोबाइल में कहीं तरह से बैठता तब तब समझ देख लो जो मैं फेंको, महाराज लोग कहीं पागल भी कर सकते। अरे दुनिया जैसी है उस हिसाब से जीना पड़ेगा साहब, हमारे विचार सोचना पड़ेगा। हमारे मेरे को बता रहे थे कि आप बापूजी के वारिस हो, नहीं मैं बापूजी का एक सेवक हूँ, वारिस दा तो हमारे परम पूज्य गोपाल चैतन्य जी बाबा है, मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ, वारिस वारिस नहीं, एक सेवादार हूँ। हमारे कोई अवकात नहीं कि हम लोग को ज्ञान दे सके, लेकिन आप लोग प्रेम करते हो उसने तुम्हारे साथ दोस्तों को बात कर लेते हैं। नहीं तो तुम और हमारे में फर्क क्या है? इतना जैसे मैं पीले कपड़े पहन के रखा हूँ, तुम थोड़ा काले पीले सफेद पहन के रखते हो, फर्क क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विचार का फर्क है।
तुमको गुटका चलता है मेरे गुटका नहीं चलता, तुमको मांस मटन चलता है मेरे को मांस मटन नहीं चलता। माफ करना मैंने आपको बीच में रोका था सर, क्योंकि रास्ते पर यदि हम बैठे हैं और वहां इन चीजों का बात हो समर्थन नहीं कर सकते हम, क्योंकि बापूजी अंतिम समय तक आज स्वाभिमान इस चीज के लिए होता है कि जो लोग आदिवासी रोज मछली केकड़ी के बगैर रहते रहते वो लोग आज पाल आश्रम में बापूजी के सामने बैठकर माला देते हैं, एक संख्या आदिवासी हो गया तो हम तो उनसे कई बड़े लिखे हो गए। लेकिन महाराज कई जगह देखने को मिलता है कि जो ज्यादा सीखा हुआ रहता है वो उतना भूखा हुआ भी रहता है। इसलिए सेवालाल बापू बोल के गए थे कि मत जागो माटी वाया राजदायी के कुछ सेवा पाया, राज आ सकता है लेकिन कब, ये दिन युवा खड़ा हो जाएगा ना, दुनिया की कोई ताकत तुमको झुका नहीं सकती, लेकिन कब, जब तुम स्वाभिमान से जीना सीख जाओगे। स्वाभिमान चाहिए यार, सब धर्म में इंद्रम से ये पर धर्म भया हुआ, अपने धर्म में मरना पसंद लेकिन दूसरे का धर्म स्वीकार नहीं करना। क्या जीते हो तो जीवो को जिंदों की तरह मुर्दों की तरह जीत क्या खा दिए यार। तरुण लोग हो तो मरे, 10 तरुण जिस दिन गांव में खड़ा हो जाएगा कि मेरे गांव में व्यसन मुक्त चाहिए, मेरे गांव में दारू बंदी चाहिए, मैं कहीं गांव में दारू बंदी की आपकी सत्संग के दौरान क्या मिलता है मुझे, वो दुश्मनी पैदा होती है। जिस दिन मेरा बदला लेंगे उस दिन लेंगे, लेकिन उस समय उस धाम का तो भला हुआ है ना। मैं इस बात को देखता हूँ, राज्य भागते भागते क्या पर क्या काम है, ये उद्देश्य है कि मेरा युवा खड़ा हो, मेरा युवा सक्षम बने, मेरा युवा सुशिक्षित हो, सुशिक्षित हो और वो अपने पैर पर खड़े रहकर गांव का, तहसील का, जिला का और राष्ट्र का नाम विकास करे, विकास करे, विकास करे। इसकी जरूरत है, ये लोग क्या है और कमाते इतने दूर से आए, क्या काम कर रहे हो तुम, हमारे एकनाथ भाई गोपड़ी इतनी अच्छी जी को विकास देते हो, मैं हूँ वो भाई वो ग्रुप में, हमारा ये फाउंडेशन है कैपल फाउंडेशन, हमारा बजरा से भक्त परिवार कहाँ नासिक रह गया, कहाँ पुणे रह गया, यहाँ नियोजन का क्या काम। लेकिन युवा जागरूक हो, युवाओं जो एक अच्छा परसेंटेज मिला है उनका गौरव हो, ताकि उनको देखकर जो दूसरे बच्चे हैं उनमें भी कंपटीशन जागे कि यार उसने 70 मिलाएगा मैं अगले साल 80 मिलाऊंगा, ये कंपटीशन करो। पुन्हा भेटू तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज, नमस्कार।